स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस टू प्रोड्यूस न्यू यंग वंस। अपने समान संतान उत्पत्ति करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं जनन। टू प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस ऑफ देयर ओवन काइंड्स फॉर कंटिन्यूटी एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर रेस बाय लिविंग ऑर्गेनिज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इन रिप्रोडक्शन वेरियस कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू देयर जेनेटिक मटीरियल। मतलब कि रिप्रोडक्शन में हमारे मदर फादर से बहुत सारे जेनेटिक कैरेक्टर क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो हमारे कोई ना कोई को हम हमारे कुछ ना कुछ कैरेक्टर हमारे मदर फादर से मैच करते हैं। उसका कारण क्या है? जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमारे मदर फादर से हमें ट्रांसफर होता है। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट असेंशियल टू एनी इंडिविजुअल इन इट्स लाइफ बट मस्ट फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। व्हाट सर्वाइव्स ऑन द अर्थ ओवर द मीनिंग इज नॉट बी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बट द स्पीसीज डिपेंड अपॉन द एक्ट एज रिप्रोडक्शन एज ए वाइटल ब्रिज दैट स्पैन्स सक्सेसिव मॉर्टल जनरेशन। अब रिप्रोडक्शन से क्या है कि जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी क्या होती है? मेंटेन रहती है लाइफ। अब बात करते हैं Do organism create the exact copies themselves? Organism looks similar because their body design are similar. If body design are to be similar, the blueprint of the these designs for the these designs should be similar. Reproduction at a most basic level will be involved making the copies of blueprints of body design. अब क्या था? उसका मेन कारण क्या होता है कि हम हूबहू अपने मदर फादर जैसे होते हैं। जो हमारी बॉडी वगैरह रहती है उसका जो मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसके लिए रहता है डीएनए, बेसिक इवेंट। और अब क्या है? डीएनए इज द इन द सेल न्यूक्लियस। डीएनए जो होता है पाया जाता है ईच एंड एवरी सेल्स के न्यूक्लियस में पाया जाता है। और डीएनए क्या करता है? वो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन रखता है मदर फादर की, देन ट्रांसफर इन टू द न्यू जनरेशन। इफ इंफॉर्मेशन इज चेंज डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड, डिफरेंट प्रोटीन विल बी एवेंचुअल लीड अल्टर द बॉडी डिजाइन। बेसिक बैंड रिप्रोडक्शन इन द साइट क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी सेल यूज द केमिकल रिएक्शन बिल्ड द कॉपी ऑफ द डीएनए जिसके टू कॉपी डीएनए रिप्रोड्यूसिंग दे विल बी नोट द सेपरेट फ्रॉम द ईच अदर। मतलब कि सेम हूबहू ब्लू प्रिंट होना वो डिपेंड किस पे करता है? हमारे वो डिपेंड करता है हमारे डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है। हम बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेरिएशन। अब वेरिएशन की क्या इम्पोर्टेंस है? पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज फिल वेल डिफाइंड प्लेस और नीश इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिज टू यूज द पर्टिकुलर नीड्स जो उनका आवाज होता है। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। मतलब रिप्रोडक्शन से ही स्पीसीज की स्टेबिलिटी बनती है जो वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में ट्रांसमिट होती है। नीड कैन चेंज बिकॉज द रीजन बियॉन्ड देयर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गन। टेम्परेचर ऑन द अर्थ कैन गो अप और डाउन, वाटर लेवल्स कैन वेरी। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी एक मेन फैक्टर है हम लोगों में वेरिएशंस होने। ठीक, अब हम बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज। देखो टू टाइप का रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि जो सेक्स ऑर्गन्स की कोई नीड, देयर इज द नो नीड ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स की क्या होती है, नीड रहती है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द सिमिलर वे। ऑर्गेनिज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द सिमिलर वे। सम हैच आउट फर्टिलाइज द एग्स लाइक चिकन एंड लिजार्ड। सम आर बोर्न फ्रॉम देयर मदर लाइक किटन पपीज एंड ह्यूमन बेबी। सम ग्रो आउट द पेरेंट्स बॉडी एज इट्स पार्ट सच एज हाइड्रा ईस्ट ऑनियन सम। देखो इसमें क्या है कि ऑर्गेनिज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द सिमिलर वे। अदर स्पीसीज सिमिलर वे में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक। दी डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स। एक को हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन सेकेंड इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाई सिंगल पेरेंट्स विदाउट एनी फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्योंकि इसमें एक सिंगल सेल से ही एक न्यू सेल्स का निर्माण हो जाता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। बेसिक फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो बेसिक फीचर्स हैं वो क्या होते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल ऑर्गेनिज, ऑल द सेल डिविजन ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मायोटिक एमायोटिक। अब बात आती है जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होता है फ्यूजन भी होता है, बडिंग भी होता है, स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होता है। अब फ्यूजन फॉर द यूनिसेलर ऑर्गेनिज, फॉर द यूनिसेलर ऑर्गेनिज सेल डिवीजन और फ्यूजन लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। मैनी डिफरेंट पैटर्न्स फ्यूजन हैव बीन ऑब्जर्व। अब क्या होता है, देखो हमने डायग्राम में दिखाया गया है मैनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स फ्यूजन। अब बात करते हैं हम फ्यूजन डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू द न्यू इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन दो प्रकार का होता है, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन टू फ्यूजन, ये क्या होंगे टू इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे एंड जो मल्टीपल रहेंगे वो एक या एक से अधिक में हो जाएंगे। एंड देन फ्रेगमेंटेशन। अब मल्टीपल फ्यूजन तो जाता है बेसिक इन दिस, अब आती है बाई बडिंग। बड क्या होता है कि किसी सेल्स के ऊपर एक उभार बन जाता है, बड बन जाता है और वो उस सेल से सेपरेट होके एक न्यू इन्फेंट बेबी के क्या करता है डेवलपमेंट करता है बाई बड। स्पोर फॉर्मेशन में इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी फंजाई बैक्टीरिया सम लोअर ऑर्गेनिज इन फंजाई लाइक राइजोपस म्यूकर स्ट्रक्चर कार्ड स्पोरेंजियम डेवलप्स ऑन द हाइड्रा ड्यूरिंग द स्पोर फॉर्मेशन। इनमें स्पोर फॉर्मेशन जैसी एक स्ट्रक्चर बन जाती है तो वो क्या करती है हमारा स्पोर का फॉर्मेशन करती है।